फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम कांदे बटाटे पोहे बना रहे हैं। तो किस तरह से बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने जो पोहे लिए है इसे अच्छी तरह से, इसमें कुछ अगर कचरा होगा तो वो निकाल दिया है। तो इसे हम छलनी में ले लेते हैं और इसे हम दो तीन पानी से धोएंगे ताकि उसमें जो डस्ट होगी ना तो वो पूरी निकल जाएगी। देखिए, इस तरह से दो तीन पानी से हमने इसे धो दिया है और इस तरह से हमने रख दिया है तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रख दी है कढ़ाई, तो इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। ये मैंने पीनट लिया है 3 टेबलस्पून जितने, तो इसे हम पहले फ्राई कर लेते हैं, एकदम इसे हम क्रंची बना लेते हैं। अभी देखिए, ये पीनट क्रंची हो गए हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं। अभी इस तरह से हमने निकाल दिए हैं तो अभी हम थोड़ा ऑयल कम कर लेते हैं। अभी इसमें डालेंगे जीरा, करी पत्ता, साथ में मैंने एक प्याज लिया है बड़ा वाला और 3 हरी मिर्च ली है। इसे मैंने बड़ी बड़ी काट ली है क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो मिर्च निकाल सकते हैं और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता, इसी हिसाब से लिया है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप छोटे छोटे इसे काट सकते हो। तब इसे हम चला लेते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं नमक स्वादानुसार और ये मैंने 2 आलू बॉईल करके रखे हैं वो डाल देंगे। अभी इसे हम चला लेते हैं। अभी इस तरह से चला लिया है तो इसमें डालते हैं हींग, हल्दी, वापस इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम डालते हैं पोहा। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, ऊपर से डालते हैं मूंगफली। शक्कर, अगर आप शक्कर नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो, पर इसमें पोहा में जरूर शक्कर डलती है। और इसे हम अभी हल्के हाथ से मिलाएंगे। अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया और इसे हम ढक देते हैं और स्लो आंच पे इसे होने देते हैं। अभी इसे हम देख लेते हैं, वापस इसे हम चला लेते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे। अभी अच्छी तरह से हमने चला लिए हैं तो इसे वापस हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, देखिए ये अच्छी तरह से हो गए हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। अभी इसे सर्व करने का एक तरीका होता है, तो इस तरह से
आपको अगर आलू छोटे छोटे करना है तो आप छोटे भी कर सकते हो। अभी इस तरह से हमने डिश में ले लिया है तो इसमें हम डालते हैं पीनट। हमारे यहाँ इस तरह से ही सर्व करते हैं, अगर कोई लड़के देखने जाता है तो इस तरह से हम सर्व करते हैं, लड़के वालों खुश हो जाते हैं इस तरह से देख के। अभी हमने पीनट डाल दिया है तो इसमें डालते हैं सेव। साथ में कोकोनट, डेसिकेट कोकोनट ये हम खास डालते हैं, और लेमन। थोड़ी धनिया पत्ती, देखिए इस तरह से सर्व करते हैं। चाय जिसको अगर खट्टा चाहिए होगा तो वो लेमन इसमें डाल सकता है, सबको पसंद है ज़रूरी नहीं होता है, तो हम इस तरह से डायरेक्ट नहीं डालते हैं, तो इस तरह से हम सर्व करते हैं, जिसे जैसे भी चाहिए इस तरह से वो खा सकते हैं, लेकिन सेव और डेसिकेट कोकोनट ज़रूर डालते हैं। तो इस तरह से बनाएं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, ज़बरदस्त लगता है। देखिए मैं स्पून में आपको बताती हूँ कैसा लगता है, एकदम गजब का लगता है। तो इस तरह से ज़रूर बने, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब पसंद है तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और इस तरह से ज़रूर बना के देखिए, मुंह में पानी आ जाएगा इस तरह से बढ़िया सा है। तो ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।